हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। 5 दिवसीय फ्रांस दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, राफेल से पूछ कर आएंगे, भैया आपका रेट कितना है। रोज रोज के किचकिच से तंग आकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अब राफेल जेट की कीमत सीधे राफेल से ही पूछ ली जाए। पार्टी ने इसी मिशन को पूरा करने के लिए राहुल गांधी को फ्रांस भेजने का प्लान बना लिया है। राहुल फ्रांस जाएंगे और राफेल को खोपचे में बुलाकर उससे पूछेंगे कि भैया आपका रेट क्या चल रहा है। इस महत्वपूर्ण दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया कि हम तो सरकार से पूछ पूछ कर थक गए, कोई हमें रेट बताने को तैयार ही नहीं है। इसलिए खुद अध्यक्ष जी ने इस मसले को अपने हाथ में ले लिया है। वो 5 दिनों की विदेश यात्रा पर फ्रांस जाएंगे और उस मुए राफेल से उसकी कीमत उगलवा कर ही वापस लौटेंगे। यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस कुछ फ्रांस के टूरिस्ट स्पॉट इंटरनेट में सर्च करना बाकी रह गया है। वो क्या है ना, अध्यक्ष जी अब इतनी दूर जा ही रहे हैं तो लगे हाथ 2-4 जगह घूम कर भी आ जाएंगे। एक पंथ दो काज, लेकिन मशीन बोलेगी कैसे, AI अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। ऐसा पूछे जाने पर आजाद जी ने बताया कि क्यों नहीं बोलेगी, उसे बोलना पड़ेगा। वैसे भी राहुल जी के आगे सब बोलने लगते हैं, अगर फिर भी उसने मुंह नहीं खोला तो हम जान जाएंगे कि ये भी मोदी जी से मिला हुआ है, आजाद जी ने आगे बताया। वही राहुल गांधी के फ्रांस दौरे पर चुटकी लेते हुए संबित पात्रा ने कहा कि आने दो मुझे अर्नब के शो में, पूरा पोल खोल के रख दूंगा। फ्रांस जाने के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, मुझे सब पता है। मोदी जी ने बताई मी टू की फुल फॉर्म, मॉडर्न ई टेक्नोलॉजी आउटस्टैंडिंग ऑप्टिमिज्म। जनता की भारी मांग पर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार आज मी टू पर अपनी चुप्पी तोड़ी दी। उन्होंने ना सिर्फ चुप्पी तोड़ी बल्कि देश को मी टू असली मतलब भी समझाया। मी टू को लेकर देश भर में हो रहे हल्ले पर मोदी जी ने कहा, बहनों भाइयों, कुछ लोग देश को मी टू का गलत मतलब समझा रहे हैं। आज मैं 125 करोड़ देशवासियों को इसका असली अर्थ बताना चाहता हूँ। मी टू का मतलब है मॉडर्न ई टेक्नोलॉजी आउटस्टैंडिंग ऑप्टिमिज्म, यानी एक ऐसी आधुनिक ई टेक्नोलॉजी जो अभूतपूर्व आशावाद से भरी है, जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद वो मीटू से अपना पुराना नाता बताते हुए बोले, बहुत कम लोगों को पता है कि बचपन में लोग मुझे नीटू कहकर बुलाते थे और मेरा दोस्त मीटू साबरमती के किनारे पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। मोदी जी के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने भी मीटू अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, जैसे पेट भर कर खाने वाले को पेटू कहते हैं, उसी तरह ज्यादा मीट खाने वाले को मीटू कहते हैं। सिंपल। मिजोरम में भी हो रहे हैं चुनाव, आज तक ने किया खुलासा। आज तक के खोजी पत्रकार पवन दीवाना ने खुलासा किया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा मिजोरम में भी चुनाव हो रहे हैं। पवन ने ये पता लगाने के लिए 24 घंटे की कमर तोड़ रिसर्च की है, तब जाकर उसे पता चला कि इस नाम का कोई राज्य भी है और वहां चुनाव भी हो रहे हैं। हालांकि टीवी पर खबर तो चला दी गई, लेकिन आज तक में काम करने वाले पवन के कलीग्स भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो डटा हुआ है। पवन ने फेकिंग न्यूज को बताया कि मैं सच कह रहा हूँ, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। दरअसल कल शाम को मैं 9:30 के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि मिजोरम नाम के एक राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने तुरंत एडिटर साहब को उसकी जानकारी दी, वे भी ये खुफिया जानकारी सुनकर चौंक पड़े। बाद में यही खबर हमने एक्सक्लूसिव के नाम पर अपने चैनल पर बेच दी, बहुत सारे लोगों ने पसंद की। अब दूसरे चैनल वाले हमसे और ज्यादा जलने लगे हैं। पवन की कलीग संजना कश्यप ने बताया कि मुझे तो इस न्यूज पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है, वहां का तो हमने ओपिनियन पोल भी नहीं दिखाया, फिर वहां चुनाव कैसे हो सकता है। अगर इस नाम का राज्य नक्शे में नहीं निकला तो हमें तो माफी मांगनी पड़ जाएगी, कहकर वो डिबेट कराने चली गई। उधर चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं कि मिजोरम की खबर आखिर दिल्ली तक आई कैसे। एडिटर्स गिल्ड ने भी आज तक को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि वहां की खबर दिखाने की क्या जरूरत थी।
मोबाइल फैक्ट्री वाले बयानों से तंग आकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को विजय घोषित किया, चुनाव टला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मोबाइल फैक्ट्री वाले बयानों से चुनाव आयोग भी तंग आ चुकी है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को विजय घोषित कर दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद इन तीनों राज्यों में चुनाव टल गए हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है। दरअसल चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी को ये बयान देने से रोकने का एकमात्र रास्ता यही है कि उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाए। चुनाव आयोग के इस निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने दिल खोल कर स्वागत किया है, वहीं भाजपा के तोते उड़ गए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी जाएगी। चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मेरे तो कान पक गए, कुछ दिनों पहले ही हमने 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन तीनों राज्यों में चुनाव करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने जल्द एक्शन नहीं लिया तो देश में लाखों फैक्ट्रियां खुल जाएगी, इसलिए भूल चूक लेनी देनी कांग्रेस पार्टी को इन तीनों राज्यों में विजय घोषित किया जाता है। चुनाव आयोग के इन अफसर के वाक्यों का वर्णन करते हुए राजनीति शास्त्र के महान एक्सपर्ट संपत लाल चौबे ने बताया कि देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मोबाइल वाला भाषण अब चुनाव आयोग वाले भी नहीं झेल पा रहे हैं। उन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, वही चुनाव आयोग ने कर दिया। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों जहां भी जाते हैं मोबाइल बनाने की एक फैक्ट्री खींच कर ही आते हैं। पहले छत्तीसगढ़ में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगाने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश का रुख किया और वहां भी धड़ल्ले से फैक्ट्री खोल डाले। उधर इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों में उन्होंने आसमान छेड़ दिया है। हिंदुस्तान के शो में बांटे जाएंगे लेस चिप्स के पैकेट, मिलेगा ठगी का असली अनुभव। सितारों से भरी बॉलीवुड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। बताया जाता है कि ये फिल्म 17वीं शताब्दी के ठगों के बारे में है, यानी कि अंग्रेजों के बारे में। लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले 21वीं शताब्दी के ठग एक्टिव हो गए हैं। दरअसल फिल्म देखने आए दर्शकों को 4D अनुभव देने के लिए मल्टीप्लेक्स वालों ने लेस के चिप्स का सहारा लिया है। जब दर्शक 5 रुपए का चिप्स 20 रुपए में खरीदेंगे तो उन्हें असली ठगी का 4D अनुभव हो जाएगा। इस महान योजना की जानकारी देते हुए एक फिल्म विक्रेता सुभाष चोपड़ा ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि दर्शकों को फिल्म असली लगे और वो कहानी से जुड़ जाए। चूंकि इस फिल्म का नाम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है तो हमने भी उन्हें ठगने का पूरा प्लान बना लिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि ठगने के मामले में चिप्स कंपनियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो 2 रुपए के चिप्स डालकर बाकी पैसों की हवा डाल देते हैं। हम भी उसी का सहारा ले रहे हैं। 8 तारीख को हम 20-20 रुपयों में चिप्स बेचेंगे, समोसा वाले 100 रुपए में बेचेंगे, पॉपकॉर्न वाले तो अपने बाप को भी लूट लेते हैं। कुल मिलाकर उन्हें ठगी का जीता जागता अनुभव हो जाएगा। चारों तरफ से सिर्फ लूट ही लूट है कि नहीं 4D, चोपड़ा साहब ने हंसते हुए बताया। जब हमने उनसे पूछा कि 5 रुपए की चिप्स 20 रुपए की कैसे हो जाती है तो उन्होंने जवाब दिया कि दिस इज बियॉन्ड साइंस। वैसे इससे पहले भी मल्टीप्लेक्स के मालिक दर्शकों को वास्तविक अनुभव देने के लिए कई हथकंडे अपना चुके हैं। फुटपाथ मूवी के समय अल्ताफ राजा और चंद्रचूड़ सिंह को थिएटर में बैठाया गया था ताकि दर्शकों को सही में लगे कि वो फुटपाथ पर बैठे हैं। वहीं टॉयलेट एक प्रेम कथा में 4D अनुभव देने के लिए लोगों के हाथ में पाकिस्तान के झंडे पकड़वा दिए गए थे ताकि उन्हें टॉयलेट के पास होने का एहसास होता रहे। पहले तो ये प्रयोग काम कर गया, लेकिन क्या अब की बार मोदी सरकार ये ट्रिक काम करेगी? ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।